इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 12। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 12। दाऊद के अनुचर। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए, और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे, और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामिनी थे। मुख्य तो अहीएजेर और दूसरा योआश था, जो गिबावासी शमाआ का पुत्र था। फिर अजमावेत के पुत्र अजीएल और पेलेत, फिर बराका और अनातोती एहू, और गिबोनी इश्मायाह, जो तीसों में से एक वीर और उनके ऊपर भी था। फिर इर्मयाह, यहजीएल, योहानान, गदेरावासी योजाबाद, एलुजय, यरीमोत, बाल्याह, शमरयाह, हारूपी शपत्याह, एलकाना, इशियाह, अजरेल, योएजेर, याशोबाम, जो सब कोरह वंशी थे, और गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योएला और जबद्याह। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी मुर्ग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये लोग गादियों से अलग होकर उसके पास आए। अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्याह, तीसरा एलियाब, चौथा मिशमन्ना, पांचवा इर्मयाह, छठा अत्तय, सातवा एलियेल, आठवा योहानान, नौवा एलजाबाद, दसवा इर्मयाह और ग्यारहवा मकबन्नय था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर, और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। यही वे है जो पहले महीने में जब यर्दन नदी सब कड़ाड़ों के ऊपर ऊपर बहती थी, तब उसके पार उतरे और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के सब तराइयों के रहने वालों को भगा दिया, और कई एक बिन्यामिनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्रभाव से मेरी सहायता करने को आए हो, तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। अब आत्मा अमासय में समाया, जो तीसों वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं, हे ईशे के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं, तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिये ठहरा दिया। फिर कुछ मनशेई भी उस समय दाऊद के पास भाग गए, जब वह पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया था, परंतु उसकी कुछ सहायता न की, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया कि वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिकलग को जा रहा था, तब ये मनश्शेई उसके पास भाग गए, अर्थात अदना, योजाबाद, अदीएल, मिकाएल, योजाबाद, एलीहू और सिलतय, जो मनश्शे के हजारों के मुखिये थे। इन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहां तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। उनके मुखियों की गिनती यह है,
यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6,800 हथियारबंद लड़ने को आए। शिमोनी 7,100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए। लेविय 4,600 आए और हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था और उसके साथ 3,700 आए और सादोक नाम एक जवान वीर भी आया और उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए और शाऊल के भाई बिन्यामिनियों में से 3,000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामिनियों से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते थे। फिर एप्रेमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में से नामी पुरुष 20,800 आए और मनुष्य के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। और इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इसराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जुबलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पांति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। ये पांति बांधने वाले थे और चंचल न थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1,000 और उनके संग ढाल और भाला लिए हुए 37,000 आए और दानियों में से लड़ने के लिए पांति बांधने वाले 28,600 आए और आशेर में से लड़ने को पांति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए और यर्दन पार रहने वाले रूबेनी, गादी और मनुष्य के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पांति बांधने वाले दाऊद को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए और सब इस्राएली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे और वे वहां 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी और जो उनके निकट वरन इस्साकार, जुबलून, नप्ताली तक रहते थे वे भी गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों पर मैदा, अंजीरों और किशमिश की टिकिया, दाख मधु और तेल आदि भोजन वस्तु लाद लाद कर लाए और बैल और भेड़ बकरियां बहुतायत से लाए, क्योंकि इस्राएल में आनंद मनाया जा रहा था।